गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग रिवाइज करेंगे एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक चैप्टर 12, जिसका रिवीजन करना है हमें। चैप्टर है एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक। ये लास्ट चैप्टर है, जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा उसका लास्ट चैप्टर है, ये बुक का लास्ट चैप्टर नहीं है। तो जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है उसका ये लास्ट चैप्टर है जिसको रिवाइज करना है, एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक। तो सबसे पहले आप लोग अपना अपना अटेंडेंस बनाएं, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करता हूँ उसको चैप्टर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक है तो पहले एग्रीकल्चर की बात करते हैं। एग्रीकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ लैंड। क्योंकि हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है और लगभग इस देश की 70% आबादी जो है कृषि पर निर्भर है, तो हम लोग कृषि के बारे में ज़्यादा ना सही लेकिन थोड़ा बहुत हर कोई हम लोग जानते हैं खेती के बारे में। डिटेल्स में जानकारी हमें नहीं होती है लेकिन इतना हमें पता जरूर है कि खेती कहते किसको है ना। खेती करना यानी फसलें लगाना है ना, और भारत एक कृषि प्रधान देश है तो, और गाँव का देश कहा जाता है, तो यहाँ पे लोग 70% से ज़्यादा लोग कृषि पर निर्भर हैं। कृषि प्रधान देश है हमारा देश भारत, तो कृषि यानी एग्रीकल्चर कल्टिवेशन इट मीन्स कल्टिवेशन ऑफ लैंड। अ लार्ज वराइटी ऑफ सॉइल्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। चूंकि हमारे देश का फिजिकल फीचर्स डिफरेंट है, अलग अलग फिजिकल फीचर्स हैं, क्लाइमेट भी अलग अलग है, तो सॉइल टाइप ऑफ सॉइल भी अलग अलग है, अलग मिट्टी भी अलग अलग प्रकार की होती है, तो क्रॉप्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, है ना। अ क्रॉप यानी फसल एज अ प्लांट डेट इज ग्रोन इन सिग्निफिकेंट क्वान्टिटी टू बी हार्वेस्टेड एज फूड। लाइव स्टॉक फॉर्डर और फॉर एनी अदर इकोनॉमिक पर्पस। इंडिया कैन ग्रो ऑलमोस्ट ऑल वेराइटीज ऑफ क्रॉप। यानी फसल, फसल क्या है, पौधों को लगाना, बड़ी मात्रा में पौधों को लगाना, उसकी हार्वेस्टिंग करना भोजन के लिए, पशुओं के चारे के लिए और दूसरे अदर इकोनॉमिक पर्पस के लिए, है ना। आर्थिक उद्देश्य, इकोनॉमिक पर्पस का मतलब आर्थिक उद्देश्य से, है ना, अर्निंग करने के लिए फसल लगाए जाते हैं। इंडिया कैन ग्रो ऑलमोस्ट ऑल वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स। हमारा देश भारत लगभग सभी प्रकार के फसलों को लगाते हैं या खेती करते हैं, है ना। विभिन्न प्रकार के फसल भारत में उपजाए जाते हैं, लगाए जाते हैं। बेस्ड ऑन द सीजन, सीजन के आधार पर देर आर टू टाइप ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। सीजन के आधार पर दो तरह के फसल भारत में लगाए जाते हैं, या तो दो तरह के फसल जो है भारत में लगाए जाते हैं या उपजाए जाते हैं कह सकते हैं हम, है ना, जिसमें खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। देर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स बेस्ड ऑन द सीजन, सीजन के आधार पर। अभी हम लोग बात कर रहे हैं सीजन के आधार पर दो तरह के क्रॉप्स हैं, एक ग्रुप बना दिया गया, है ना। कुछ फसलों को खरीफ में डाला गया और कुछ को रबी में डाला गया, लेकिन इसका आधार क्या है, सीजन, ऋतु के अनुसार, सीजन के अनुसार दो ग्रुप बनाया गया, रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स, है ना। जो गर्मी के सीजन में जो उपजने वाले फसल हैं उसको खरीफ क्रॉप्स कहा गया, और जो सर्दी के मौसम में यानी विंटर सीजन में होने वाले फसल को रबी क्रॉप्स कहा गया, ठीक है। खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द अराइवल ऑफ मानसून। मेन खरीफ क्रॉप्स आर राइस, मिलेट,
मेज, कॉटन, सोयाबीन, सुगर केन, टर्मरिक, सम पल्सेज एंड ग्राउंडनट आर नोन एज खरीफ क्रॉप्स बिकॉज दे आर ग्रोन विद द अराइवल ऑफ मानसून। मानसून के आगमन के समय इन फसलों को बोया जाता है, इन फसलों की खेती शुरू की जाती है, इसीलिए इसको खरीफ क्रॉप्स नाम दिया गया। बट रवि क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर, दे आर व्हीट, शीशम, ग्राम, मस्टर्ड, गार्ली एक्सेट्रा, ये सारे रवि क्रॉप्स में आते हैं और इनकी खेती जो है वो विंटर सीजन में की जाती है। तो ये बेस्ट था, देर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स बेस्ड ऑन सीजन। सीजन के आधार पर दो भागों में क्रॉप्स को विभक्त किया गया या बांटा गया, खरीफ क्रॉप्स एंड रवि क्रॉप्स, है ना। अब हम लोग बात करेंगे मेजर फूड क्रॉप्स की, जो भोजन के लिए जो क्रॉप्स लगाते हैं, है ना, फूड क्रॉप्स, जिसमें सीरियल क्रॉप्स आता है, अनाज, राइस, व्हीट, मेज, मिलेट। मिलेट में कई सारे चीजें आती है, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब जो है मिलेट कहलाते हैं, है ना। दे आर मेनली ग्रो, तो ये मिलेट्स जो है, ज्वार, बाजरा और रागी जो है, ये मिलेट्स कहलाते हैं, है ना, कंबाइंड रूप से इनको मिलेट्स कहा जाता है। राइस कैसे बात करते हैं, सबसे पहले राइस की सीरियल क्रॉप्स में, अनाज में, राइस इज ग्रोन इन हॉट एंड रेनी एरियाज। चावल की खेती जो होती है, चावल की खेती डायरेक्ट नहीं, वो धान की खेती होती है, पैडी यानी धान, धान से फिर चावल प्राप्त किया जाता है। तो धान की जो खेती होती है वो हॉट और रेनी एरियाज में होती है, है ना, जहाँ का क्लाइमेट हॉट हो और वर्षा भी उसको पर्याप्त मिले, है ना, तो ऐसे जगहों में चावल की खेती संभव है। और इन क्षेत्रों, चावल उपजने वाले क्षेत्र, वेस्ट बंगाल नंबर वन पे आता है, फिर उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु एंड असम, ये सब जो है राइस ग्रोइंग एरिया है भारत के, इंडिया के राइस ग्रोइंग एरिया वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु एंड असम, और भी जगहों में होते हैं, है ना। अब जैसे बिहार है, थोड़ी बहुत चावल की खेती बिहार में भी होती है, है ना, लेकिन ये जो जो स्टेट्स के नाम मैंने पढ़े अभी, जब मैंने आपको बताया वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में बड़े पैमाने पे चावल की खेती की जाती है, बड़े पैमाने पे चावल उपजाए जाते हैं। व्हीट की बात करें तो व्हीट ग्रोज इन ड्राई क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट में यहाँ इसकी खेती होती है, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, इसको बस एक दो बार, जैसा कि गेहूं की खेती में होता है, एक या दो बार पानी इसमें डाला जाता है, सिंचाई की जाती है इसकी, है ना। तो धान के मुकाबले यानी चावल की खेती के मुकाबले इसमें पानी की ज़रूरत ना बहुत कम होती है। तो कैसे क्लाइमेट में होता है, ड्राई क्लाइमेट में होता है, शुष्क जलवायु में होता है, ड्राई क्लाइमेट यानी शुष्क जलवायु, जहाँ अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में यह गेहूं की खेती नहीं हो सकती है। इट इज ग्रोन इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार एंड मध्य प्रदेश, है ना। नॉर्दर्न प्लेन्स के पार्ट आप देख रहे हैं, इसमें से कुछ है जहाँ पे गेहूं की पैदावार उच्च पैदावार होती है, है ना, बड़े पैमाने पे गेहूं की खेती की जाती है। द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द व्हीट बाउल ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न प्लेन्स, मैंने अभी बात की, नॉर्दर्न प्लेन्स में गेहूं की खेती बड़े पैमाने पे होती है, इसीलिए नॉर्दर्न प्लेन्स को व्हीट बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है, है ना, भारत की गेहूं की तस्तरी इसको कह सकते हैं, व्हीट बाउल, है ना, व्हीट बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है नॉर्दर्न प्लेन्स को, ठीक है। मेज अगला जो सीरियल है क्रॉप्स है वो है मेज। मेज इज प्रोड्यूस्ड इन कर्नाटका, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। मक्के की खेती कर्नाटका, बिहार, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर होती है, पंजाब में भी होती है, है ना, और भी राज्य हैं, लेकिन जो ज्यादा पैदावार वाले राज्यों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं आपके बुक में,
है ना, कमोबेश लगभग कई सारे राज्यों में खेती होती है गेहूं चावल और मक्के की, लेकिन जो जहाँ ज़्यादा उपज होती है, ज़्यादा बड़े पैमाने पे खेती होती है, उन्हीं का नाम सबसे पहले लिया जाता है ना। तो मेज प्रोड्यूसर में कर्नाटका, बिहार, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों का नाम आता है। अगला जो सीरियल है मिलेट, ज्वार, बाजरा, रैगी, जिसको कमांड रूप से मिलेट कहा जाता है, ग्रोन इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के ड्रायर पार्ट्स में, सूखे क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है। दे आर मेनली ग्रोन इन कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट इन द वर्ल्ड। मिलेट प्रोडक्शन में भारत का नाम सबसे ऊपर आता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यह मिलेट का संसार, है ना। तो सीरियल क्रॉप्स, अनाज में हम लोगों ने बात की, राइस, व्हीट, मेज और मिलेट की बात की, और किन किन राज्यों में बड़े पैमाने पर इनकी खेती होती है भारत में, उसकी भी बात हम लोगों ने की। अगला जो क्रॉप है वो कैश क्रॉप्स होता है, नकदी फसल। मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर, तो बताया था कैश क्रॉप्स का मतलब होता है ऐसा क्रॉप्स इसकी जिसकी खेती की जाती है मुनाफा कमाने के लिए, इसको बाजार में बेचकर उससे मुनाफा कमाते हैं, ऐसे फसल को कैश क्रॉप्स कहा जाता है। इसको इसकी खेती जो है अपने फैमिली के भोजन के लिए नहीं करके, बल्कि इसको बाजार में बेचने के लिए और उससे पैसे कमाने के लिए, पैसे प्रॉफिट कमाने के लिए ऐसे फसलों को लगाया जाता है। इस प्रकार के फसलों को कैश क्रॉप्स कहा जाता है और हिंदी में इसको नकदी फसल कहते हैं। क्या क्या आता है इस कैश क्रॉप्स में? ऑयल सीड, तिलहन जिससे तेल प्राप्त किया जाता है, सुगर केन यानी गन्ना, टी, चाय हो गया, कॉफी और स्पाइसेस, ये जो है मेन कैश क्रॉप्स होते हैं। कैश क्रॉप्स की श्रेणी में क्या क्या आ गया? सुगर केन, टी, कॉफी, स्पाइसेस, ऑयल सीड्स, ये सारे आ गए कैश क्रॉप्स की श्रेणी में आते हैं, जिनको बेच के और उससे प्रॉफिट या मुनाफा कमाया जाता है। ठीक है, अभी मैंने ऑयल सीड्स की बात की। ऑयल सीड्स प्रोड्यूस ऑयल टू कुक फूड। ऑयल सीड्स से ऑयल प्राप्त किया जाता है, तेल प्राप्त किया जाता है, जिसका इस्तेमाल भोजन बनाने में किया जाता है। ग्राउंड नट, शीशम, रेप सीड, मस्टर्ड, इनसीड, कैस्टर सीड एंड कोकोनट आर द मेजर ऑयल सीड्स ग्रोन इन इंडिया। दे आर ग्रोन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ऑयल सीड्स जिससे तेल प्राप्त किया जाता है, सीड से, बीज से तेल प्राप्त किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से जो हम लोग उसका इस्तेमाल भोजन में के लिए करते हैं, भोजन बनाने के लिए करते हैं, है ना, फूड को प्रिपेयर करने के लिए करते हैं, जैसे मस्टर्ड, मस्टर्ड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, सरसों तेल हम लोग जो है सो खाने में इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह सोयाबीन का तेल, है ना, ग्राउंड नट, मूंगफली का तेल, लिनसीड, कोकोनट। साउथ इंडिया में आप चले जाइए, दक्षिण भारत में, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि जो हम लोग सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, दक्षिण भारत के लोग अपने भोजन को बनाने में कोकोनट ऑयल यानी नारियल के तेल का इस्तेमाल करते हैं, है ना, दे यूज कोकोनट ऑयल फॉर कुकिंग। शुगर केन इज अ मेजर कैश क्रॉप, इज द मेजर कैश क्रॉप ऑफ इंडिया, इट इज यूज फॉर मेकिंग शुगर, जैगरी एंड खंडसारी। शुगर केन यानी गन्ना जो है एक बहुत बड़ा कैश क्रॉप है भारत का, है ना, शुगर केन एक मुख्य कैश क्रॉप है भारत का, और इसका इस्तेमाल चीनी, जैगरी और खंडसरी बनाने में किया जाता है, है ना। गुड़, चीनी आदि बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है शुगर केन का, और ये मेजर कैश क्रॉप है भारत का।
बेवरेज क्रॉप्स, मैंने अभी आपको कैश क्रॉप्स में टी कॉफी की बात की, स्पाइसेस की बात की, ये बेवरेज क्रॉप्स में आते हैं टी कॉफी। टी इज द मोस्ट पॉपुलर बेवरेज क्रॉप इन इंडिया। इंडिया इज द लीडिंग टी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। असम, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल एंड केरला आर द प्लेसेस वेयर टी इज ग्रोन। मोस्ट पॉपुलर, इसको बेवरेज कहा जाता है, चाय कॉफी को जो है बेवरेज कहा जाता है, और इंडिया जो है लीडिंग टी प्रोड्यूसर है पूरे संसार में, और चाय के बागान के लिए भारत का असम और दार्जिलिंग जो कि वेस्ट बंगाल में है यह पूरे संसार में फेमस है ना। अनदर बेवरेज क्रॉप इज कॉफी। कॉफी इज अनदर बेवरेज क्रॉप। इट इज मेनली ग्रोन इन कर्नाटका। साउथ इंडिया में कॉफी की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, स्पेशली कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। दक्षिण भारत में यानी साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया में कौन कौन से राज्य आते हैं, मुख्य रूप से केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये सब दक्षिण भारत के राज्य हैं। तो ये कॉफी प्रोड्यूसर जो स्टेट है उसमें कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु जो है में मुख्य रूप से जो है कॉफी की खेती की जाती है, कॉफी तैयार किए जाते हैं। स्पाइसेस आर ग्रोन इन कर्नाटका एंड केरला। मेन स्पाइसेस प्रोड्यूस्ड हियर आर ब्लैक पेपर, क्लोव्स, कैडमम, टर्मरिक, नटमेग एक्सेट्रा। ये जो है स्पाइसेस, मसाले, यू नो व्हाट इज द यूज ऑफ स्पाइसेस। स्पाइसेस ऐड फ्लेवर टू आवर फूड। हमारे भोजन में है ना फ्लेवर डालता है, फ्लेवर आता है उससे, है ना, ठीक है, स्वाद को बढ़ाता है मसाले। और वह इसकी खेती भी खासकर दक्षिण भारत में ही मसालों की खेती बड़े पैमाने पे की जाती है, स्पेशली इन केरला, कर्नाटका एंड केरला आर फेमस फॉर स्पाइसेस। ओके, तो हम लोगों ने बात की एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रीकल्चर क्या है एंड बेस्ड ऑन द सीजन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फूड क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। वी रेड अबाउट दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ फूड क्रॉप्स बेस्ड ऑन सीजन, दे आर खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। उसके बाद हम लोगों ने सेरियल क्रॉप्स, अनाज के रूप की बात की, जिसमें राइस, व्हीट, मेज, मिलेट इत्यादि की खेती भारत में कहाँ कहाँ की जाती है, किन किन राज्यों में बड़े पैमाने पर की जाती है। उसके बाद कैश क्रॉप्स में क्या क्या आते हैं, है ना, नकदी फसल क्या क्या आते हैं, और क्या नकदी फसल कहते किसको है, कैश क्रॉप्स कहते किसको है, है ना। ऑयल सीड्स में क्या, कौन कौन से ऑयल सीड्स हैं जिसका इस्तेमाल ऑयल निकालने के लिए किया जाता है, तेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। शुगर केन इज द मेजर क्रॉप, हमने पढ़ा कि शुगर केन जो है वो मेजर कैश क्रॉप है भारत का। उसके बाद बेवरेज क्रॉप में टी, कॉफी और स्पाइसेस, और ये सब दक्षिण भारत में बड़े पैमाने पर इसकी खेती की जाती है। चाय की खेती नहीं, कॉफी और स्पाइसेस की खेती दक्षिण भारत में, और चाय की खेती असम और वेस्ट बंगाल, ठीक है, असम, वेस्ट बंगाल और केरला भी इसमें आता है, केरला का नाम भी इसमें आता है चाय की खेती में, टी प्रोड्यूसर। लेकिन लीडिंग जो स्टेट है उसमें असम और वेस्ट बंगाल है, जिस असम की चाय की बागान और दार्जिलिंग यानी वेस्ट बंगाल में है या पूरे संसार में फेमस है। केरला ऑल्सो प्रोड्यूसेस टी, है ना, लेकिन केरला में भी चाय के बागान है, लेकिन जो अग्रणी जो क्षेत्र है भारत का उसमें असम और वेस्ट बंगाल आता है, वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग, ठीक है। कॉफ़ी के मामले में मैंने आपको बताया कि दक्षिण भारत में कॉफ़ी की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, मेनली जो है कॉफ़ी की खेती दक्षिण भारत में ही की जाती है, है ना, वहाँ का क्लाइमेट जो है, वहाँ की मिट्टी जो है इसके लिए उपयुक्त है, इस वजह से कॉफ़ी सीड्स से तैयार किए जाते हैं, और क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट और सॉइल जो है इसके लिए सूटेबल है, तो साउथ इंडिया में यानी दक्षिण भारत में कॉफ़ी की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। साथ ही साथ स्पाइसेस भी दक्षिण भारत में ही बड़े पैमाने पर उपजाए जाते हैं, जिसमें ब्लैक पेपर, क्लोव्स, कैडमम, टर्मरिक, नटमेग ये आते हैं।
ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। हम लोग फिर चर्चा करेंगे, फाइबर क्रॉप्स की चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद इंडस्ट्रियल क्रॉप्स है, फिर लाइव स्टॉक, बहुत कुछ हमें रिवाइज करना है। थैंक यू।